हेलो एवरीवन, आज हम ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2018 में पूछा गया है। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, अ सेकंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ T1, देन अ थर्ड ट्रायंगल T3 इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ T2। इफ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ट्रायंगल्स इज कंटिन्यूड, the sum of the areas in square centimeter of infinitely many such triangles T1, T2, T3 and so on will be, and the options are। ये question एक moderate level का standard question है। इसे solve करने के लिए हमें geometry के जो properties हैं उसके अलावा sequences and series की basic properties भी मालूम होनी चाहिए geometric progression की। एक ट्रायंगल है, इसका नाम हमने दिया है T1। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में एक और ट्रायंगल आता है। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी अगर हमें मालूम है तो हमें जानते हैं कि ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। तो ट्रायंगल T2 जो है वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और इसका एरिया इस T1 का 1/4 होगा, क्योंकि यहां पर चार इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे जिन चारों का एरियाज आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल आएगा T3। इस ट्रायंगल का एरिया T2 का 1/4 होगा और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, एंड सो ऑन। तो अगर ऐसे इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स हों तो उन सभी का जो एरियाज होगा उसका सम हमें मालूम करना है। सबसे बड़े ट्रायंगल T1 का एरिया अगर हम A मान लेते हैं तो T2 होगा 1/4 ऑफ A, T3 जो होगा उसका एरिया इसका 1/4 होगा, दैट इज A ओवर 16, T4 का एरिया इसका 1/4 होगा, A ओवर 64, एंड सो ऑन। इन सभी एरियाज का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या होगा, A प्लस A ओवर 4 प्लस ए ओवर 16 प्लस ए ओवर 64 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया है जहां पर इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म है ए, 1 माइनस कॉमन रेशियो निकालने के लिए इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें या इसको इससे या इसको इससे, हर बार हमारा आंसर आएगा 1/4। तो ये हो गया है ए ओवर 3/4 या 4a/3। अच्छा, जो ट्राइंगल T1 है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 24 स्क्वायर। ये T1 का एरिया है जिसे हमने a से रिप्रेजेंट किया है, तो a की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4/3 इंटू √3/4 इंटू 24 इंटू 24, 4 से 4 कैंसिल हम यहाँ कर सकते हैं। इस 24 को हम लिख देते हैं 8 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है। 24 इंटू 8 करने पर 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा डिजायर्ड आंसर होगा।